एंड वेलकम टू हिडन ट्रेजर। आज मैं आपके लिए एक केक की रेसिपी लेके आई हूँ। केक घर में जनरली सबका फेवरेट होता है, बच्चों का, बड़ों का, और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए तो मुझे ये आइडल फिंगर फूड लगता है। इवन मेरी शाम की चाय के साथ भी मुझे केक खाना बहुत पसंद है। If you really want to bake a good cake, so one tip I can give you is just stick with the measurements. अगर आप measurements के साथ चलोगे तो आपका केक भी इतना soft और इतना ही spongy बनेगा, that I can assure you. So let's start the recipe and check out the ingredient guys. So for this cake आप जो भी अपने measurement cups लेंगे वो उसी सारे measurements उसी same cup और spoon से कीजिएगा। ये मैंने केक टिन लाइन कर दिए हैं और अवन प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 3/4 कप पिसी हुई चीनी है, आधा कप ये मिल्क पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है। और इसको मैंने अच्छे से सीव कर लिया है। मिल्क पाउडर लीजिएगा, मिल्क वाइटनर से ये केक नहीं अच्छा बनता है। और ये पूरा छान लिया है। चीनी के जो ग्रैनुल्स थे वो छन्नी में रह गए थे। अब इसमें आधा कप मैंने देसी घी डाला है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑयल की थोड़े टाइम में स्मेल आने लग जाती है केक में से, इसलिए मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। ये आधा कप देसी घी का गया है और ये आधा ढक्कन वनीला एसेंस है और 1 कप दूध का है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स को। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हो, वरना आप इसको हाथ से भी अच्छे से बीट कर सकते हो। ज़्यादा हमें इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट चीनी और घी आपस में मिक्स हो जाए। और मैंने ये आधा कप वनीला का बैटर 1 कप में अलग निकाल लिया था चॉकलेट का बैटर बनाने के लिए। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चॉकलेट कोको पाउडर डाला है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये मेरा चॉकलेट का भी बैटर अब तैयार हो गया है। और अब इन दोनों बैटर्स को हम केक टिन में डालना स्टार्ट करेंगे। मैंने 2 केक टिन लाइन करके रख लिए थे। कभी कभी बैटर एक्स्ट्रा बन जाता है उसके लिए। अब मैं टिन में सबसे पहले नीचे वनीला का बैटर डालूंगी और उसके ऊपर चॉकलेट बैटर के ड्रॉप्स डालने हैं। हमें पूरी लेयर नहीं लगानी है उसमें। और अब ये चॉकलेट बैटर के ऐसे 3 ड्रॉप्स डालने हैं और इसके ऊपर अब हम एक और लेयर फिर वनीला की डालेंगे और फिर ऊपर से फिर से चॉकलेट की एक लेयर जाएगी। बट चॉकलेट का बैटर आपको ऐसे ड्रॉप्स में ही डालना है, उसकी पूरी लेयरिंग मत कीजिएगा। अब इसके ऊपर वनीला बैटर की एक लेयर जाएगी और फिर उसके बाद फिर से अब मैंने चॉकलेट का बैटर फिर से ऊपर से डाल रही हूँ। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब हम इसको मिक्स करेंगे, एक पर्टिकुलर तरीके से, दैट आई विल शो यू। बट पहले ये चॉकलेट बैटर इसमें डालते हैं, देन एक नाइफ़ के हेल्प से हम उसको डिज़ाइन देने की कोशिश करेंगे। और मैंने ये सारा बैटर अब केक टिन में डाल दिया है। और पहले मैं नाइफ़ अंदर की तरफ में चलाऊंगी और फिर उसको दूसरे साइड से बाहर की तरफ को लेके आऊंगी। ये एक मार्बल केक है और मार्बल की तरह इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न्स नहीं होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें डिज़ाइंस दे सकते हो। आप इसमें एक स्ट्रिल भी बना सकते हो और वॉट एवर डिज़ाइन यू वांट टू हैव। अगर आपको पर्टिकुलर जेब्रा पैटर्न में इसमें डिज़ाइंस चाहिए तो वो एक अलग तरीके से बनता है। उसका मैं आपको किसी और केक में कभी बताऊंगी कि जेब्रा केक कैसे बनता है। बट ये एक मार्बल केक है जिसका कोई फिक्स्ड पैटर्न या डिज़ाइन नहीं होता है। मैंने अब केक टिन को अवन में डाल दिया है। अवन मेरा प्री हीटेड था और इसका सेटिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर नीचे की दोनों रॉड्स मैंने उसकी ऑन करी है। अवन की हर किसी की अपनी मेजरमेंट होती है, आप एक एक एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। मैंने पहले बनाया हुआ है 180 डिग्री पे, बहुत ईजिली बन जाता है, बट उसमें टाइमिंग कम रखिएगा। इसमें 40 मिनट्स लगते हैं, उसमें शायद कम में हो जाता होगा आपका 20 मिनट्स में ही। और ये केक मेरा बेक होके तैयार है, उसके मार्बल शेड्स बहुत सुंदर आए हैं, यू कैन चेक दिस आउट। और अब मैं ये ठंडा भी हो गया, अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और बहुत ईज़िली ये केक हमारा बाहर भी निकल आता है। मैं इसमें से लाइनर हटा के इसको अपसाइड डाउन कर दूँगी और देन आई विल कट इट इनटू पीसेस। आप एक गैस पे भी बना सकते हो, एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। एयर फ्रायर का टेम्परेचर मैंने आपको बताया है 180 डिग्री में 20 मिनट्स में केक बन जाता है। गैस पे इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स। और If you like the recipe, do hit the like button, subscribe and comment below. Thanks for watching.